बेरोजगारी की मार झेल रहे 26 लोगों को फर्जी आरटीओ अधिकारी भागीरथ साहू ने ठग लिया। दरअसल किरारे निवासी भागीरथ साहू ने अपने गांव के आसपास के 26 लोगों से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से लोन पास करवाने के एवज में रुपए लिए थे। काफी समय बाद भी जब लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला तब उन्होंने भागीरथ की शिकायत कलथरा थाने में कर दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी भागीरथ को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी जांजगीर अनिल कुमार सोनी ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज, स्टाम्प सील और शपथ पत्र मिला है। आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रार्थी सहित ग्राम किरारी के लोग और अन्य आसपास के ग्राम के लोग कुल 26 व्यक्तियों द्वारा 5,000 रुपया उसके पास जमा कराया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा 135,000 रुपया धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया और साथ ही आरोपी द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के नाम से 27 व्यक्तियों की एक सूची जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भेजा गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया जिस पर से इसको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और आरोपी के कब्जे से जो फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था साथ में शपथ पत्र, बिल बुक, एक नग मोबाइल और जो सील बनाया गया था उसको जब्त किया गया है। लोगों को याद रखना होगा कि किसी भी मामले में लोन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक संचालित है, वहां से कम ब्याज दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार के द्वारा लगातार ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में लोग ठगी के शिकार होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे मामलों से बचना चाहिए। एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से भरत सिंह चौहान।